संजय ये ठंड में किस बेवकूफ का आइडिया था कि ये बताने भी नहीं देते आइडिया था क्या? नहीं, हम पहले ही क्लियर करते हैं कि फैमिली ये भय का आइडिया था। इन्होंने बोला था कि हम करेंगे लिविंग इन अ पूल पार्ट 2 और ऊपर से इतनी ठंड है, ठीक है। मुझे ये नहीं समझ लगता कि आपने मतलब स्पेशली मुझे मतलब सबको पता है कि मुझे विंटर्स पसंद नहीं है, ठंडा पानी तो वैसे ही मैं डरती हूँ बिल्ली जैसे, तो मेरी फैमिली सो बेसिकली हमें ऐसे ही बात करनी पड़ेगी क्योंकि अगर जोर से बात करेंगे तो ऐसे आवाज गूंजेगी। क्या इको होगा यार अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो, और जो आजू बाजू के लोग सो रहे सब जाग जाएंगे। आई लव यू प्रीति। वाओ 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 वाओ। सो वी वांट टू थैंक हमारे अर्जुन पाजी, आपको याद है जिन्होंने बीइंग इन अ रिलेशनशिप वाले टाइम पे फोटोज क्लिक की थी संजय की? ये अर्जुन, ये आपकी बड़ी अच्छी सी पिक्चर क्लिक करेंगे एकदम कपल की तरह, एक दूसरे की तरफ देखो यार। पहले तो ये अर्जुन जी पहले जगह बताएं जहां पर ये पूल का इंतजाम हो पाए, वरना ठंड में किसी का पूल भी कोई हमें दे ही नहीं रहा था। ब्रो ये सिचुएटेड है माछीवाड़ा सिटी में। ओके, एंड इट इज कॉल्ड सुपीरियर वर्ल्ड स्कूल। ये बच्चों का स्विमिंग पूल है स्कूल के। थैंक यू। हम तो है ही बच्चे। एंड मेरे को तो समझ नहीं आ रहा आप सर्दियों के टाइम में चैलेंज करके रहे हो। हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। तो मैंने बोला ठंड है तो क्या हो गया, ठंड रखो हम कर लेंगे। हम लोग तैयार है करने के लिए लिविंग इन पूल पार्ट 2। So family, ये है वो वाले फ्लोटर्स जिस पे हम लोग बिताएंगे हमारे 24 hours। So family, इसके बीच में दो है सिंगल बेड जी हाँ, और एक है महाराजा बेड। So family, अब हम डिसाइड करेंगे रॉक पेपर सीजर करके कि किसको मिलता है मास्टर बेड। गो रॉक पेपर सीजर शूट। जो मुझे थोड़ा डर लग रहा है भाई, संजय लेके हमारा बेड। लेडीज फर्स्ट पहले। पता तो लगे लेडी गिरती कैसे है। सो फैमिली जैसे कि आप देख सकते हैं दीक्षा घुस रही है। डर लग रहा है। सेंटर बेड। अब मेरी बारी। ये 24 घंटे बताने कैसे हैं इस पे, ये तो बताओ। हाय दीक्षा। मैं पीछे कैसे जाऊं? फैमिली शू उतर चुके हैं, अब भी हमको स्विमिंग करने के लिए बोलेंगे फ्लोटर सिस्टम, आजू बाजू जा सकते हैं। फैमिली यहाँ पे मेरे साथ एकदम बुरा हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे मेरा बेस हाईजैक हो रहा है। फैमिली मेरा पजामा तो गीला हो गया है। इधर देखो, उधर हो जा संजय, मेरे को सीधा होने दे, एक बार सीधा। दिस इज द चैलेंज ब्रो, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता यार। ये मेरे को सीधा तो होने दे फैमिली, मेरे को सीधा। संजय धक्का मुक्की मत कर, मैं अगर मैंने की ना मैं धक्का मुक्की कर मुझे क्या, मैं वो मेरी अंडरवेयर भी गीली हो रही है। संजय फैमिली मैं थोड़ा सा फंस गया हूँ। एक्चुअली मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सीधा करना है और ये सीधा करना बहुत जरूरी है मेरे को। एक बार आपकी सिद्धि के चक्कर में इधर मेरे पानी आ चुके हैं। फैमिली इन लोगों की कॉन्वर्स तो बंद नहीं हो रही है, पता नहीं क्या करें, पर मैंने तरीका ढूंढ लिया इधर उधर फ्लॉट को। मैंने इधर उधर तरीका ढूंढ लिया फ्लोट करने का अपने आप को। भैया ने फाइनली टर्न ले लिया है। Oh!
ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਚੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਮਾਮੂ ਖਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ फैमिली ये थोड़ा सा शकअप हो गया शकअप पानी यहाँ तक मुझे थोड़ी अंडरवेयर चेंज करनी पड़ेगी सो फैमिली थोड़ा सा चैलेंज खराब हो गया था क्योंकि मेरी पोजीशन गलत हो गई थी तो इसकी वजह से हमें मेरे संजय की टाइमिंग चल रही है मेरी टाइमिंग अब वहाँ से दोबारा शुरू होगी अगर जैसे मैं दोबारा घुसा तो फिर जीरो से शुरू होगी तो इसलिए बिकॉज अंडरवेयर और ये सब गीले हो चुके हैं तो हमें ठंड चढ़वानी नहीं है फैमिली लगता है भैया का लकी खराब है चैलेंज के लिए उनके फिर से पानी आ गया बोट पे अरे मेरा गीली हो गई भैया फैमिली भैया पे पूरा उनका फिर से पानी हो चुका है आप देख सकते हैं कैसे इनका पानी ऑलमोस्ट घुसने ही वाला है और ये घुस गया है पानी और ये पानी और आ चुका है सो फैमिली बेसिकली मेरी चड्डी हो चुकी है फिर से गीली अब मेरे पास और कोई चड्डियां हैं नहीं अब जो टाइम बिताना है इस चड्डी गीली से बिताएंगे फैमिली ये बहुत डिफिकल्ट रेस थी लेकिन कोशिश करने वाले की हार नहीं होती अगर होती है तो वो बाजीगर नहीं होता अबे बताते नहीं यार कैसे हो हेलो फैमिली कैसे हो आप पहले तो बता दूं मेरी बहुत हालत खराब हो चुकी है मेरा पूरा बोट सिंक हो चुका है लेकिन भाई आपका मरते दम तक लड़ेगा और ये गिर रहे पानी इधर भी आ गया तेरा सही है यार तेरे को अच्छा मिल गया यार साला हमारी क्या गलती है हमारे क्यों बम ठंडे हो रहे हैं भाई क्या रीजन है रॉक पेपर सीजन मैं जीता हूँ एंड यार आप ऐसे आ नहीं सकते अगर आप आएंगे तो भी मैं आपको पूरी इजाजत है कि मैं आपको धक्का मार सकता हूँ सो फैमिली हमें भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है और अभी तक हमारा खाना नहीं आया है कहाँ कहाँ हमें ठंडा लग रहा है मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ और मेरा दिल कर रहा है मैं चैलेंज यही क्विट कर दूँ बिकॉज इट इज टू डिफिकल्ट टू डू इट फैमिली खाना आ चुका है फाइनली फैमिली फाइनली मेरा आ चुका है खाना और मैं अभी इधर बैठ के मस्त हूँ डूड ये देख रहे हो बैलेंस मैन ये देख रहे हो बैलेंस मैन ये होता है बैलेंस शुरू होते ही खत्म हुए यार।
और ढूंढ निकालो यार, और ढूंढ में गिरूंगा फंस चुका हूँ। ये बेबी लड़का, आई थिंक मैं भैया को फर्स्ट टाइम कहूंगी ब्रो आई हेट यू। मैंने तो कुछ भी नहीं किया मैमली, मैं तो उसको डरा रहा था, ये खुद ही गिर गई।